आज हम लोग प्रैक्टिस का अपना 11वां पेपर लेकर आए हैं, S11 सीरीज का नाम है S11। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर को प्राप्त कैसे करना है, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम मैथ्स वाइज और अखर में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल परक कोचिंग ऑफिशियल में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो परक कोचिंग प्रयागराज एलनगंज में कोचिंग है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको ये पेपर ऑफलाइन प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन लिखा गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया एक सही एक बटे दो वर्षों में 2662 रुपये हो जाएगा जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम इफ रेट 2000 अमाउंट्स टू रेट 2662 इन वन होल 1/2 ईयर्स इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे पूछ रहा है, पहला सवाल में लिखा गया है कि इसका जो आपका प्रिंसिपल है जो पी है वो 2000 रुपया और अमाउंट जो हो जा रहा है वो 2662 हो जा रहा है। आगे लिख रहा है ब्याज प्रति छमाही से होता है। भाई टाइम जो दिया गया है, जो टाइम दिया था ये 1/2 ईयर्स, मतलब कितनी छमाही हो जाएंगी। एक साल में 2 छमाही होती हैं, छमाही निकालने कितनी छमाही हो जाएंगी। तो एक तो आप कह सकते डायरेक्ट 3 हो सकती हो, जो 2 * 2 = 3/2, एक साल में 2 छमाही 2 गुणा कर दो, हाफ ईयर हो जाएंगे। कितने हाफ ईयर? 3 हाफ ईयर। इतनी की बात कर रहा था, आगे लिख रहा था ब्याज प्रति छमाही संयोजित। ब्याज हमको जो लेना वो छमाही संयोजित होना है, इसलिए हमने टाइम को भी क्या ले लिया, संयोजित हाफ ईयरली ले लिया। अब आपको करना क्या है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे आर इस समय हम हाफ ईयरली ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, इस बात को याद रखना कि अभी आर जो हम लेंगे तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर पी 1+R/100 पावर कितना हो जाएगा आपका पी। हम छोटा सवाल है डायरेक्ट फार्मूला से लगा दिया करो, अगर कोई बड़ा सवाल होता तो उसको ब्रेक कर लेते हैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ हो जाएगा 2662, यहाँ हो जाएगा 2000, यहाँ 1+R। अभी ये वाली जो आर है वो हाफ ईयरली, याद रखिए अभी जो आर है वो हाफ ईयरली है, इसको बाद में जाकर हमको बनाना पड़ेगा ईयरली। तो टाइम कितना है? 3। टाइम अगर 3 हाफ ईयरली है तो ये भी आपका क्या है, हाफ ईयरली ही होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 1000, यहाँ हो जाएगा 1331 बटे 1000 आएगा अगर तो आप देखें तो 1+R/100। एक किसका क्यू है, 11/10 का होल क्यू, ये क्या है 11/10 का क्यू है। तो यहाँ पे हमें लगे हैं अगर जी कितना हो जाएगा हमारे पास 11/10 का होल क्यू बराबर हो जाएगा 1+R/100 पावर क्यू। कितना हो जाएगा पावर क्यू। अब हम लोग को करना क्या है, देखो इसको सॉल्व कर लेना है, कट जाएगा तो यहाँ 11/10 बचेगा बराबर 1/100। इसके अगर तुलना कराएं 10 * 10 = 1/10 हो जाएगा बराबर 1+R/100। इसे कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 10। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10%। अब जो बताइए हाफ ईयरली होगा कि आपकी ईयरली होगा जी। अब जब हम लोगों ने वैल्यू रखी थी आर को हाफ ईयरली मान के चल रहे थे तो इसकी ईयरली परसेंटेज कितना हो, गलती मत कर देना यहाँ पे 10 * 2। अगर 6 महीने में 10% लगता है तो पूरे साल में कितना लगेगा आपका, 20% लगेगा। कितना आंसर आएगा, 20%। बात क्लियर हो पा रही, सबसे बड़ी गलती तो यही हो सकती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का B। दूसरा सवाल देखते हम लोग, दूसरा नंबर में लिखा गया है 180 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। हम लोगों को करना क्या था, हमारे पास व्यक्ति जो थे ये 100 व्यक्ति थे और टाइम जो हमें दिया गया था वो 180 दिन दिया गया था। 60 दिनों के बाद कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हो पाया, 60 दिनों तक। इसका मतलब क्या हुआ, 60 दिनों तक कितने लोगों ने काम किया होगा, 100 लोगों ने काम किया होगा, 100 लोगों ने काम किया, कितने दिनों तक काम किया, 60 दिनों तक।
सौ लोगों ने काम किया, कितने दिनों तक किया? 60 दिनों तक किया। कितना काम हो पाया? वो कह रहा 1/5 भाग काम ही हो पाया, बटे कितना कर देंगे 1/5। यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एम डी अपॉन डब्ल्यू बराबर एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू बराबर एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू। 100 आदमियों ने 60 दिन तक काम किया, 1/5 भाग काम ही हो पाया, 1/5 भाग काम ही हो पाया। तो आगे बताया, बताएं कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा कराने के लिए कितने अतिरिक्त नियुक्त किया करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अतिरिक्त, अब भाई निश्चित अवधि में 1/5, 60 दिनों में 1/5 काम हो पाया, 100 व्यक्ति उसके पास थे, कितने अतिरिक्त लगाए जाएंगे? 100+X लगाए जाएंगे। अब पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए 180 दिनों में, 60 दिन हम लोग ले चुके हैं, कितना दिन बचेगा हमारे पास? 120 दिन। बटी कितना काम बचेगा? 1/5 अगर काम हो चुका है तो बचेगा 4/5, 5 भाग में अगर 1/5 काम हो चुका है तो कितना बचेगा? 4/5 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, 60 ही कम 60 60 दूनी 120 हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 50, 4 का गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, 200 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100+X, एक्स बराबर हो जाएगा 100, एक्स रहा हो जाएगा 100 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए, 100 व्यक्ति पहले से थे और 120 दिन के लिए 100 व्यक्ति कितना लगाए गए? अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया, शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दान दे दिया, इस प्रकार अब उसके पास 10,080 शेष रह गया, उसकी आय कितनी थी? आपको करना क्या है? 100x मान लिया कर, कोई भी राशि हो आप 100x मान लिया कर। वो कह रहा 100x में 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, 20% उसने अपने बड़े पुत्र को दे दिया, मतलब कितना हो गया 20x, बचा कितना होगा इसके बाद? 80x बचा होगा। कितना बचा होगा बेटा? 80x। अब आगे लिख रहा है तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष का 30% जिसका बड़ा पुत्र था, ये छोटा पुत्र हो गया, छोटे पुत्र को 30%। देखो अब 30% कैसे निकालेंगे? 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। 30% 24 हो जाएगा, तो 8 × 3 = 24x उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो अगर 30% अपने छोटे बेटे को दिया, 70% उसने अपने पास रखा होगा, तो 7 × 8 = 56x बचेगा। कितना बचेगा? 56x। अब उसके पास जो बचा वो 56x बचा। अब उसके पास जो बचा वो कितना बचा? 56x बचा। आगे लिख रहा है शेष बची हुई राशि 10% उसने, शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दान दे दिया, इसका उसने 10% दान दे दिया। क्या किया उसने? 10% तो इसका दान दे दिया, डोनेट कर दिया। अब बचेगा कितना? 90% बचेगा, तो 56x का 90% बचेगा, 56x का कितना बचेगा? 90% बचेगा। यही राशि उसकी 10,080 के बराबर। इसको आप काट दीजिएगा, एक कट जाएगा, 9 से कट रहा, 8 × 1 = 9 कट जाएगा, 9 × 1 = 9, 1 × 9 = 9, 9 × 2 = 18 होगा, 9 × 1 = 9, 8 × 1 कट तो रहा है ना, 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 56 से करना है आप 56 × 2 = 112, 20 बार एक्स बराबर कितना आएगा? 200। एक्स बराबर कितना आएगा? 200। हमने माना था कितना कुल टोटल संपत्ति? 100x। कितना माना था? 100x। 100x मानेगा तो टोटल संपत्ति आपकी हो जाएगी 20,000। कितना हो जाएगी? 20,000। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, तीसरे का क्या हो जाएगा? डी वाला। अगला देखिएगा, चौथा नंबर लिखा गया है, ए का हिस्सा बी से, चौथा नंबर लिखा गया है, कह रहा है ए का हिस्सा बी से 25% अधिक है, बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तो राशि 740 में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा जो है वो बी से 25% अधिक है, ए का हिस्सा बी से 25% अधिक है,
ए का हिस्सा जो भी बी रहा होगा, बी से एरो आपको ए की तरफ बनाना है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे लिख रहा है तथा बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तो राशि 740 में सी का हिस्सा क्या कीजिए। भाई आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ से, है ना, जैसे हम यहाँ मान लें 100, ये 100 से कितना अधिक हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर ये 100 है जो 120 है तो ये 25% ज़्यादा हो जाएगा, 25% कितना होगा 1/4, 25% कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 कितना हो जाता है 120 का 30 हो जाएगा, 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150। बात समझ में आ रही, 100 मान लिया, 100 का 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, 120 में आपको 25% बढ़ाना है, 120 में आपको 25% बढ़ाना, 25% मतलब होता है 1/4, 25% मतलब होता है 1/4, मतलब 30 बढ़ाना है, 120 का कितना बढ़ाना, 30 बढ़ाना, तो 30 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 150। इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, अगर आप निकालेंगे तो 0 0 0 कट जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा 15:12:10 अगर 15:12:10 हुआ तो अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि 740 में सी का हिस्सा क्या, सी का हिस्सा निकालना 740 में, 740 का कितना हो जाएगा 10/5 × 2 = 37, 37 × 2 = 72 हो जाएगा 200, सी का हिस्सा जो आएगा वो 200 रुपये आएगा, सी का हिस्सा जो आएगा वो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चौथे का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, पांच नंबर, कई बार सवाल आ चुका है, एक आसान सा सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है, कह रहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो हमें तीनों संख्याएं ऐसा लिख लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, अगर ये 100 है, ये 30% कम है, अगर ये 30% कम है तो कितना हो जाएगा 70, दूसरी 37% कम है तो कितना हो जाएगा 63, पहली 30% कम है तो 100 में से 30 घटाओ 70 बचेगा, दूसरी 37% कम है, 100 में से 37% घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 बचेगा, तो अब पूछ रहा है वो, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना कम है, भैया 7 कम है, कितना कम है 7 कम, कहाँ से कम है 70 से कम है, 7/70 × 100 कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%, 70 का 7 10% होता, 70 का 7 कितना होता 10% होता। अगला सवाल देखिएगा, छठवां नंबर, छठवां नंबर में लिखा गया है, एक शर्ट के सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने पर एक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, यदि सूची मूल्य 125 रुपए हो तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, सूची मूल्य अगर वो कह रहा है 125 रुपए हो तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, ये एमपी एसपी और सीपी इस तरीके से आपको लिखना है, सूची मूल्य कितना है वो कह रहा है 125 रुपए, मतलब मार्केट प्राइस एमपी 125 रुपए दिया गया, इसमें कह रहा है वो 31% का डिस्काउंट दिया गया, 31% का डिस्काउंट दिया गया, और कह रहा है 15% का लाभ होता है, प्रॉफिट जो हो रहा है 15% का, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है 15%, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है 15% का। अब यहां से आपको सवाल बन गया, अब देखो यहां पे अगर हम लोग 125 से यहां पे लाए हम लोग, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 125 का 31 घटा दीजिए कितना बचेगा आपका 69 जी, आपको एसपी हो गया, अभी सॉल्व मत करिएगा, बस 125 का 69 बटे कितना हो गया 100, जब एसपी से सीपी की तरफ लाएंगे, एसपी को उठाकर कहाँ लाना, सीपी को लाना, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 125 का 69/100, सीपी का अनुपात मान कितना होता 100 होता 100, 15% का लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगा 115, याद रखिएगा जब एसपी से सीपी लाते बहुत कठिन काम होता है लाना, उल्टा लाने में बहुत समस्या है, याद रखिए सीपी का अनुपात मान कितना 100, तो सीपी के सामने आगे 100 रहेगा, अगर लाभ हो रहा तो 115, अगर हानि हो जाती तो यहाँ 85 हो जाता, तो यहाँ क्या लाभ हो रहा तो क्या हो जाएगा 115, बस आपको यहाँ से ये 100 से कट जाएगा, 23 × 69 हो जाएगा, 23 × 5 = 115 हो जाएगा, 25 × 5 = 125 हो जाएगा, 25 × 3 = 75, सीपी इसका जो शर्ट का क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 75 रुपये रहा होगा, कितना रहेगा 75 रुपये, बात क्लियर हो पा रही है। अगला सवाल देखिएगा, सात नंबर,
ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया गया है वो दिया गया है 2:3:5। तो पूछ रहा ए बी सी की वैल्यू दी गई है, बस आसान काम है, बी प्लस सी कौन है अनुपात सी प्लस ए अपॉन बी अनुपात ए प्लस बी अपॉन सी। करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, जैसे यहाँ पे बी ओ सी रखेंगे हम लोग, बी ओ सी रखेंगे 5:3:8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, सी और ए रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और ए प्लस बी रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/5। इसको काट दो, एक बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 4, तो 4:7/3 अनुपात कितना करना है, 3 का गुणा कर सब में तो 4 × 12 और 7 × 3 12 7 3 इसका सही हो जाएगा, 12 7 और 3। बात के लिए हो पा रही है। 8 नंबर देखिएगा सवाल, किसी वस्तु के अंकित कीमत के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, वस्तु के अंकित कीमत और लागत कीमत का अंतर बताइए। फिर वही काम है, एमपी एसपी और सीपी। वो कह रहा किसी वस्तु के अंकित कीमत के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, 2/5 पर बेच रहा है तो 25% की हो रही है हानि हो रही है, ठीक है। अगर 2/5 तो इसको मान लो इसका अंकित मूल 5 है, 2/5 बेचने पर तो मतलब इसको कितने में बेचा जा रहा, 2 में बेचा जा रहा, भाई 5 बेच रहे थे, 2/5 पर बेचने से अगर इसका अंकित मूल हम 5 मान लें तो 2/5 पर बेचने से मतलब 2/5 पर बेचने, 2 बार बेचने पर, 5 में कितने का बेचने पर 2 का, बेचने 25% की हानि होती है, जो डिस्काउंट हो रहा है ना 25% का हो रहा। अब आपको बताया गया सीपी निकाल सकते हैं आप आराम से, सीपी का अनुपातक मान कितना होता है 100, सीपी इंटू 100, 25% का यहाँ लॉस हो रहा तो क्या कितना हो जाएगा 75, अगर लाभ होता तो 125, तो हानि होती 75, बस आपको यहाँ 25 थी 75, 25 चौक 100, यहाँ कितना हो जाता 8/3, कितना हो जाता 8/3। तो पूछ रहा है वो वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत का अनुपात एमपी अनुपात है, क्या पूछ रहा है बेटा एमपी रेस टू सीपी पूछ रहा है, एमपी कितना है 5 है, सीपी हमारे पास 8/3 है, तो आ जाएगा 15:8, कितना आ जाएगा 15:8, ऑप्शन डी 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल लिखा गया है 9 नंबर, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जा सकता था किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिनों में पूरा किया गया, आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या क्या थी, आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या क्या थी, सीजीएल में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है सीजीएल वगैरह सीएचएस बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से निकाल ले जा रहा, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों मतलब एम व्यक्तियों द्वारा करवाना था, कितने दिनों में 22 दिनों में, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण 3 श्रमिक अनुपस्थित रह गए तो अब कितने हो जाएंगे हमारे पास एम माइनस 24 दिनों पूरा करना, 24 दिनों में पूरा हो पाया था, खत्म हो गया सवाल, 2 11 2 12 यहाँ हो जाएगा 11 m = 12 m - 36, 36 यहाँ पे आएगा तो m बराबर 36। तो पूछ रहा था आरंभ में लगाए गए जाने वाले श्रमिकों की संख्या, आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 36, आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 36। अगला नंबर देखिए 10, एक त्रिभुज एबीसी में एबी और बीसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज एबीसी में एबी और बीसी की लंबाई, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी, एक त्रिभुज एबीसी में एबी और बीसी की लंबाई, एबी की लंबाई कितनी है 15 और कह रहा है बीसी की लंबाई 6, सी
बीसी की और बीसी की लंबाई 6 है और सीए की लंबाई बीटा दी गई है, तो निम्न में से कौन सही होगा? तो आप देखिए, इसका जो इनइक्वलिटी होती है, असमिका जो होती है, त्रिभुज का निर्माण कब संभव? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या हो, छोटा हो। बस आपको यही करना था, बीटा इन जो छोटा किससे होगा, दो भुजाओं से, दो भुजा कितनी हो जाएगी 15 + 6, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। 15 × 6 = 21, यहाँ बीटा 15 × 6 = 9, बीटा का जो मान आएगा 9 से बड़ा होगा और 21 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ बराबर लगा देता है आयोग, है ना, एक ऑप्शन में इसमें भी दिया होगा, ऐसी गलती आपको वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि दो संख्याओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो संख्याओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होता। बराबर होने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, 10 का होगा डी ऑप्शन। 11 नंबर सवाल चले अगर हम लोग, ग्यारह लिख रहा है, ए बी सी डी और ई की औसत आय 15,000 है, ए और बी की औसत आय 12,000, सी और डी की औसत 16,000 है, तो ई की क्या होगी? बहुत आसानी से आप लगा सकते थे, जैसे 11 नंबर लिखा गया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की 15,000 औसत है, 15 × 5 = 75,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75,000। ए और बी की औसत आय 12,000 है, ए और बी 12,000 औसत आय है, तो दोनों की औसत आय कितनी हो जाएगी, 24,000। अगर औसत आय ए प्लस बी की 12,000 है तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 24,000। आगे लिख रहा है, सी और डी की औसत आय 16,000 है, तो सी प्लस डी की टोटल 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32,000 प्लस ई बराबर 75,000, क्या निकालना, 75। तो आप यहां देखें, अगर कितना हो जाएगा, 24,000 और 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 56,000 हो जाएगा, प्लस ई बराबर हो जाएगा 75,000। अगर 75,000 में से हम लोग 56,000 घटा दें, कितना बचेगा, 19,000, कितना हो जाएगा, 19,000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिएगा, बारह नंबर सवाल लिख रहा है, 3/2 × x, 3/2 × x बराबर 5/7 × y बराबर 6/5 × z। इसको मैं सभी तो लिख सकते थे भाई, x को ऐसे ही लिख सकते, 2/3, 3 को नीचे लाना, 2/3 बराबर y को क्या लिख सकते, 7/5, यहाँ पर क्या लिख सकते, z को 5/6। अब बताइए, x का अनुपातक मान 2/3, y का अनुपातक मान 7/5, z का अनुपातक मान कितना होगा, 5/6 होगा। इसको हम डायरेक्टली अगर लिखें इस तरीके से, अब क्या हो जाएगा, 2/3 अनुपाति 7/5 अनुपाति 5/6। एक्स का अनुपातिक मान कितना होगा, 2/3, या तो नीचे होता है या सामने होता है, याद रखिएगा, है ना। जैसे एग्जांपल समझिएगा, ए अनुपात बी लिखा गया, अगर ए अनुपात बी अनुपात बराबर है 4/5, तो मैं ऐसा भी लिख सकते थे इसको, ए बटे 4 बराबर बी बटे 5, ए बटे 4 बराबर बी बटे 5, यही हमने यहाँ पर किया, ठीक है ना। तो आप यहाँ समझें, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 3 × 10 = 20 हो जाएगा, यहाँ 5 × 6 = 30, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, यहाँ 6 × 5 = 30, 5 × 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 × 42 = 25। ऑप्शन डी, 12 का ऑप्शन डी आएगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा सवाल है। 13 नंबर देखते हैं, 1 पिरामिड का आधार 12 मीटर का एक वर्ग है, पिरामिड कैसा होता है, आप देखो वर्ग, पिरामिड अगर देखें तो पिरामिड ऐसा होता है,
यहाँ जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, शंकु और पिरामिड एक जैसे होते हैं, अंतर क्या है? शंकु का जो बेस होता है, शंकु का जो बेस होता है वो आपका वृत्ताकार होता है, जबकि पिरामिड का जो बेस होता है वो कोई ना कोई आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, पॉलीगोन लेता है। कुल मिलाकर क्या लेता है? पॉलीगोन लेता है। बस इसका आयतन क्या होता है आप समझिए, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया किसका एरिया, इस आधार का एरिया इंटू ए वाली एल्टीट्यूड की ऊंचाई, ए वाली ऊंचाई इंटू एच, यही उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना शंकु। और इसको एक साथ पढ़िएगा, शंकु का ऐसा होता है, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस होता है, बेस का एरिया। पाई आर स्क्वायर कितना होता है? बेस का एरिया इंटू कितना होता है एच, यही काम इसमें करना है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो आप अगर देखें यहाँ पे कह रहा 12 मीटर की भुजा का एक वर्ग है, उसकी ऊंचाई 27 मीटर है, एच बराबर इसका 27 दिया गया, तो बी बराबर हो जाएगा 1/3 वर्ग का क्षेत्रफल का होगा 12 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर इंटू, और कह रहा 27 मीटर ऊंचाई है, 27 मीटर ऊंचाई है, तो यहाँ हो जाएगा 3×9=27, 12×12=144 बड़ा 9×9=36, 9×9=36 39, 3×9=39, 1296 1296 घन मीटर हो जाएगा, 1296 घन मीटर। तो ऑप्शन 13 क्या हो जाएगा? सी। 14 नंबर सवाल में चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी पर बिंदु क्रमशः डी और ई है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः बिंदु डी और ई है, एक डी और एक ई है, डी ई बी सी के समांतर, वो कह रहा है डी ई जो है ए डी ई बी सी के कैसा हो गया है? समांतर हो गया है। आगे लिखा ए डी डी बी और डी ई की लंबाई, ए डी की लंबाई 8, ए डी की लंबाई 8 यहाँ से यहाँ तक, डी बी 6 और डी ई 4, डी ई कितना है 4 है, डी 4 है, तो कह रहा है बी सी की लंबाई। अब कई लोग ऐसा करेंगे 8 यहाँ 8 तो ये 6 ये 4 तो उसी रेश, ऐसा नहीं लगना है, लगे कैसा है इसमें देखिएगा, ये आप दो जब दो रेखाएं समांतर तो ए वाला कोण इसके समान बराबर हो जाएगा, ए वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी का क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज ए डी ई सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, बस खत्म सवाल। अब देखें दूसरे कोण के सामने भुजा इसकी कितनी है 8 है, दूसरे कोण के सामने भुजा इसकी कितनी है 8 है, इसके दूसरे कोण के सामने भुजा बड़े वाले की 8×6=14, तो इसके इस वाले कोण के सामने मान लो पहला इसका तीसरा कोण मान लो, तीसरे कोण के सामने भुजा कितनी होगी 4 होगी, इसके तीसरे कोण बड़े वाले के बी सी होगी, बस तो 2×2=4, 2×4=8, तो कितना हो जाएगा 7, बी सी बराबर आ जाएगा, कैसा काटा हम लोगों ने ऐसा काटा इसको 8/ कितना हो जाएगा 14/4/BC, 4×8=14, बी सी बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखो इसमें एक समझिएगा कि अगर इन दोनों को आपस में निकालना होता तो इसका अनुपात AD/DB का अनुपात वही होता है जो AE/AC होता है, बस ध्यान रखिएगा AD/DB बराबर वही होता है जो AE/EC, इज नॉट ए क्वालिटी होता है DE/BC, इस बात को याद रखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, तो ये होता है AD/DB, AD इसका छोटा बड़ा, इसके बाद ये होता है AE/ कितना होता है EC, इज नॉट ए क्वालिटी याद रखिएगा हमेशा DE/BC, ये बराबर नहीं होता। अगर इसके AD/DB बराबर AE/EC बराबर इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा DE/BC, अब बराबर किसके होगा, तो इसका एक ये है AD यहाँ AD अपॉन क्या होगा AB बराबर AE अपॉन कितना होगा EC, तब जाके बराबर होगा AE/DE, तब जाके DE बराबर होगा BC,
ये दो नियम आपको बहुत प्रॉपरली आना चाहिए। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी तो हो जाता, लेकिन इज नॉट इक्वल टू डी बटे ए आपको बी सी, क्योंकि अब देखो दूसरे वाले में समरूपता लगाएंगे तो ए डी बटे कितना हो जाएगा ए बी, ए डी बटे कितना हो जाएगा ए बी, ए ई बटे कितना हो जाएगा ए सी, ए ई बटे कितना हो जाएगा ए सी, जब तीसरी हो जाएगा डी ई बटे बी सी होगा। यहाँ समरूपता लगेगी, यहाँ पर समरूपता लगेगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग थ्योरम्स लगा रहे थे, जो थ्योरम लगा रहे हैं वो इस थ्योरम में ए वाला बराबर नहीं होता है, इसका 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 रेशियो के साथ ये बराबर नहीं होता, दोनों को एक साथ लिखिए तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा 15 नंबर। लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और कोण बी ए सी के सी के बाह्य कोण का 1/3 गुना है। पहले तो लिख रहा है त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ए बी बराबर ए सी, कोण बी ए सी कोमा सी के बाह्य कोण का, बी ए सी सी के बाह्य कोण का, सी का बाह्य कोण ये वाला हो जाएगा, सी के बाह्य कोण का 1/3 गुना है, सी के बाह्य कोण का बी ए सी, सी के बाह्य कोण का ये वाला कोण इसका कितना आ गया, इसको 3θ मान लें तो ये कितना हो जाएगा, cos θ हो जाएगा। वो कह रहा बी ए सी जो है, बी ए सी कोण सी के बाह्य कोण का 1/3 गुना है, कोण सी का बाह्य कोण का कितना 1/3, इसको 3θ मानेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो कह रहा है तो बी ए सी का मान बताइए, अगर भैया बताओ ये थीटा है, ये आपका कितना है थीटा है, ये कितना है थीटा है, ये दोनों कोण आपस में ए वाला कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, बहिष्कोण पर लगाइए, अगर ये थीटा है, 3θ है और ये थीटा है तो कितना हो जाएगा आपका 2θ। बहिष्कोण प्रमेय से क्या होता है, इन दोनों का योग कितने बराबर हो जाएगा 3θ के। अब बताइए आप ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर तो ए 2θ होगा, तो ए भी कितना हो जाएगा 2θ होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 5θ बराबर 180, तो थीटा बराबर हो जाएगा 36 × 5 = 180। अब पूछा गया किसकी वैल्यू पूछी गई है, बी ए सी की, तो यही हो जाएगा, बी ए सी कितना माना थीटा माना था, थीटा बराबर कितना आएगा 36 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन सी 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिएगा, पंद्रह हो गया 16 देखना। राज और राम क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं। यदि राम राज से 45 मिनट कम समय लेता है तो राम द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक हो गया राज, एक हो गया राम, इनकी जो चालों का अनुपात है बेटा, इनकी जो चालों का अनुपात है, राज की जो चाल है वो 5 है और राम की जो चाल है वो 10 है, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा, अगर दूरी समान तय कर सकते हैं तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल समय की कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रमानुपात होती है, तो इनके समय का अनुपात जो होगा वो होगा 10:5, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ काटिए, ऊपर मत काटिए, ऊपर चाल बनी रहने दीजिए, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, समय का अनुपात आएगा 2:1। तो कह रहा है यदि राम राज से 45 मिनट कम समय लेता है, यदि राम राज से कितना समय कम ले रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है, एक की डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 45 मिनट, कितनी है 45 मिनट। तो कह रहा है राम द्वारा तय की गई दूरी, तो राम को समय कितना लगता है, राम को कितना लगेगा 45 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा, और चाल कितनी है इसकी 10, तो हम दूरी बराबर हो जाएगा चाल 10, समय लगता है 45/60, 15 × 45 = 15 × 60 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 15/2 = 7.5, 7.5 किलोमीटर तय की गई, 7.5 किलोमीटर। बात क्लियर हो पा रही हमारी? अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ये एलजेब्रा से लिया गया, पेपर बहुत मॉडरेट बनाया गया था, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, मेंसुरेशन से लिया गया है, आपका ज्योमेट्री से लिया गया है, एलजेब्रा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, लिखा गया है ए क्यू बराबर 665 + bq,
तो भैया इसको इसको ऐसा लिख सकते ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 665। इसमें तो कोई कष्ट वाली बात ही नहीं थी। दूसरा ए बराबर लिखा गया, ए बराबर लिखा गया 5 + b। ए बराबर लिखा गया 5 + b, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 5। दो वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं। अब पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या है, ए प्लस बी का मान निकाल रहा है। ए प्लस बी का मान कैसे निकाला जाए, इसमें हम लोग ये देखें कि अगर a माइनस बी का होल क्यू, दोनों पक्ष में क्या करते हैं, होल क्यू कर दें, a माइनस बी का होल क्यू लगा दें, तो a माइनस बी का होल क्यू जो होगा कितना हो जाएगा, a ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। इससे ab की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ab की वैल्यू मिल जाएगी आसान हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल क्यू 125 बराबर 665 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी कितना है 5। 5 × 15 ए बी यहाँ पे आ जाएगा 165 में से 125 घटा दो, 665 में से 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 गया 4, 15 का भाग दे दो, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 और 15 × 6 = 90, ए इंटू बी बराबर हो जाएगा 36, ए बी बराबर हो जाएगा 36। अब इन दोनों को सेटिस्फाई कराओ, 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, 9 × 4 कितना हो जाएगा 36। अगर हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, देखो इसको मिटा दे रहे हो, अब हमारे पास मामला हुआ a इंटू बी बराबर 36 है और a माइनस बी बराबर है 5। वहाँ भी लिख सकते थे आप 9 × 5 किस तरीके से, लेकिन अब और क्लैरिफाई कर पाएंगे हम लोग, यहाँ लिख दो 9 × 4 बराबर 36, यहाँ हो जाएगा 9 × 4 बराबर कितना 5। अब पूछ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितना निकालना, ए प्लस 9 × 4 कितना हो जाएगा 13, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक क्या लिखा गया है, एक इन्होंने ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात कर रहा है। तो पहली बात तो देख लो, एक्सपोर्ट मान होता है निर्यात और इम्पोर्ट मान होता है आयात। ये लिखा नहीं गया ग्राफ में, ये समस्या भी कर सकता था, वैसे ही लिखा भी आता है एग्जाम में। इम्पोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। पहला काम तो ये देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया 2015 से 2019 तक प्याज का आयात कितने प्रतिशत बढ़ा, 15 में कितना था 550 था, 15 में कितना था, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 18, 550 से कितना बढ़ाना है हम लोगों को, 550 से 1280 तक करना है। अब ये देखो कितना बढ़ गया, तो अब आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला लिखा गया 19, 5 वर्षों के लिए प्याज के कुल आयात का औसत क्या है, 5 वर्षों के लिए प्याज के कुल आयात का औसत, आयात जो लिखा है यहाँ पे आयात लिख दिया, आयात लिखना था, आयात का औसत निकालना है, तो सबके आयात को जोड़ करके, सबके इम्पोर्ट को जोड़ करके कितने का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो इसका आंसर भी आप निकाल के बताएंगे। 20 वाला, प्याज के औसत आयात और प्याज के औसत निर्यात का अनुपात क्या होगा, वो भी आपको लगाना है। औसत आयात निकालेंगे, औसत निर्यात निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकालना है, आयात और निर्यात का आपको औसत अनुपात निकालना है। इस तरीके से आंसर देख लीजिए, 18 का हो जाएगा बी, 19 का हो जाएगा ए और 20 का हो जाएगा डी। बात क्लियर हो पा रही है, इस तरीके से वाला पेपर हमारा 11 पूरा सॉल्व हो गया है। आपको करना क्या है, देखो एग्जाम आपको जैसे रूम पे भी आप लगा रहे हैं इस पेपर को, तो प्रिंट निकलवा लिया करो, पेपर का प्रिंट निकाल करके इसको टाइमली लगा, 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट लेना है और घर पे उसको सॉल्व करना है, फिर देखना टाइम अगर ज़्यादा लगा रहे इसका मतलब आपकी अभी तैयारी पूरी नहीं है। थैंक यू सो मच।